वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्टडी एट इलाहाबाद। मैं अनिल कुमार एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करके कारण बताएँ जिससे कि हम उसे इम्प्रूव कर पाए। जो लोग चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, लास्ट के सेशन में हमने देखा था 2D एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे इनपुट लिया जाता है और कैसे आउटपुट किया जाता है। आज हम 2D एरे पे मैनिपुलेशन की बात करेंगे। हम इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की बात करेंगे। जो सबसे कॉमन प्रोसेसिंग हम लोग बात करते हैं वो मैट्रिक्स के ऊपर करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैथ्स जो लोग पढ़े वो जानते हैं, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या है? डेटा को जब हम रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो उसे कहते हैं मैट्रिक्स। हम लोग शायद हिंदी में उसे सारणी कहते हैं या आप व्यू ऐसा कुछ कहते हैं, अब जो भी कहते हो इंग्लिश में उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ डेटा विच इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्लियर? तो अगर हम डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करें और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, आज की क्लास में इसी को देखेंगे। जो सबसे सिंपल है, हमने दो मैट्रिक्स ले लिए, सपोज 3x3 लिए, 3x3 मतलब तीन रोज होंगे और तीन कॉलम। हमने दो मैट्रिक्स ले लिए, सपोज ए है और दूसरा मैट्रिक्स है बी। हम क्या करना चाहते हैं? ए और बी को ऐड करके सी बनाना चाहते हैं। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट? तो इसका लॉजिक क्या होता है जरा आप देखिए। सपोज 3732591812 5432879999। तो जब हम ऐड करते हैं ए और बी को तो हम क्या करते हैं, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट ऐड करके इसका पहला एलिमेंट बना देते हैं, यानी कि दूसरा इसका दूसरा, यानी कि सात, तीसरा तीसरा पांच। इसी तरह से इसका करेंगे, पांच दो सात, नौ आठ सत्रह, सात एक आठ, फिर आठ नौ सत्रह, दो नौ ग्यारह, बारह नौ। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो मैट्रिक्स इनपुट कराना है ए और बी को, और उनको ऐड करके तीसरा मैट्रिक्स बनाना है सी को। समझ में आया? तो चलिए ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू मैट्रिसेस ऑफ 3x3 and add them in a third matrix, और उन दोनों को ऐड करके तीसरा मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है? तो चलिए इसका प्रोग्राम लिखा जाए। हैश इनपुट आप लोग लिख लेना। हम यहां पे सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने एक दो मैट्रिक्स लिया ए और बी, बल्कि तीन लेना पड़ेगा ना, 3x3 का ए 3 3, बी 3 3, मतलब इसमें तीन रो और तीन कॉलम होंगे। इसी प्रकार से सी 3 3, ए और बी में इनपुट लेंगे और सी में उसको ऐड करके स्टोर करेंगे, ठीक है ना? अब लूप चलाने के लिए हमें कुछ वेरिएबल चाहिए। हमने आई और जे ले लिया, क्लियर? अब चले पहला काम तो ये करें कि मैट्रिक्स ए में इनपुट करवाएं। सी आर एस सी आर स्क्रीन साफ किया। इसके बाद हमने मैसेज दिया प्रिंटर,
enter elements of मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को इनपुट कराए, लूप चला दिया, कितने रोज हैं? तीन, तो आई के लिए जीरो से कहां तक जाएगा? लेस देन थ्री तक, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? तीन, तो जे का लूप कहां से कहां तक जाएगा? जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन थ्री, J प्लस प्लस, और इसमें हमने इनपुट करा लिया क्या? प्रिंटर पहले मैसेज दिया एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट करो, और इनपुट करा लिया स्कैनर फंक्शन परसेंट डी एम परसेंट ए में इनपुट कराना है ए आई जे और अच्छी हैबिट एम फ्लैश एस टी डी एम, ये हो गया हमारा जे का लूप खत्म, ये हो गया हमारा आई का लूप, ठीक है ना? एक एरे इनपुट हो गया, एक मैट्रिक्स इनपुट हो गया, अब दूसरा मैट्रिक्स भी ठीक इसी तरह से इनपुट कराएंगे, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा? बी, तो चलिए किया जाए, फॉर पहले मैसेज देते प्रिंट एफ enter elements of matrix B और loop चला लो for I equals to 0 I is less than 3 I plus plus similarly इसके अंदर हमने क्या बताया था मैंने इसके लिए nested loop चलेगा J equals to 0 J is less than 3, J plus plus, और इसके अंदर पहले मैसेज दिया printf new line enter a number, और इनपुट करा लिया scanner से, B, I, G. और F flush, S, T, D, M. ये खत्म हुआ है। दूसरा है input. यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। किया क्या है? Declare किया और उसके बाद input करा लिया पहला matrix, input करा लिया दूसरा matrix. अब तीसरा मैट्रिक्स में हमें क्या करना है? इसका पहला जोड़ करके दूसरे वाले के तीसरे वाले के पहले में स्टोर करना है, तो अगेन इसके लिए हम लोग लूप चलाएंगे नेस्टेड लूप, कैसे? फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई इज लेस देन थ्री आई प्लस प्लस, और इसके अंदर फॉर जे इज इक्वल्स टू जीरो जे इज लेस देन थ्री जे प्लस प्लस, और इसके अंदर C of I J, जब I 0 J 0 होगा तो C 0 0 में क्या आएगा? A 0 0 plus B 0 0, तो यहां क्या लिखेंगे? A I J plus B I J, सिंपल ऐड हो गया, और ये सबके लिए करेगा, काम खत्म। अब हमारा काम क्या बचा? प्रिंट करने का, सी को प्रिंट करना है, तो फिर उसके लिए नेस्टेड लूप चलाएंगे, चला लीजिए, काम लंबा जरूर है बट आसान है। फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई इज लेस देन थ्री आई प्लस प्लस, और इसके अंदर फॉर जे इज इक्वल्स टू जीरो जे इज लेस देन थ्री जे प्लस प्लस, इसके अंदर प्रिंट एफ क्या परसेंट डी और टैब दे दिया स्पेस के लिए, और यहां पे सी ऑफ आई जे को प्रिंट करा दिया, और जब पूरा एक लाइन तीनों प्रिंट हो जाए तो उसके अंदर नई लाइन पे जाना, तो यहां पे क्या लिखे न्यू लाइन प्रिंट एफ न्यू लाइन
और ये हमारा फॉर लूप खत्म हुआ। इसके बाद हम गेट स्टेज खत्म करेंगे और उसके बाद हमारा मेन खत्म हो जाएगा। ये हमारा लॉजिक होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला मैट्रिक्स इनपुट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा मैट्रिक्स इनपुट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले का और दूसरे के एलिमेंट्स ऐड करके तीसरे में स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पे तीसरे एलिमेंट मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहे हैं। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है, वेरी गुड। हम लोग अगले ऑपरेशन की तरफ से करते हैं मल्टीप्लीकेशन। माइनस में तो हम लोग को आसान है, जैसे ऐड किया वैसे ए माइनस बी कर दिए, बट मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक डिफरेंट होता है। जैसे कि पहला अगर मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, तो इसका पहला एलिमेंट क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि 1 इंटू 4 4 प्लस 7 इंटू 2 14 प्लस 9 इंटू 1 9, इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा 27। ये पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि 1 इंटू 1 1 7 इंटू 5 35 प्लस 9 इंटू 6 54 यानी कि 90। इसी प्रकार से अगला नंबर कैसे हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 प्लस 7 इंटू 1 7 प्लस 9 इंटू 18 यानी 28। अब अगला नंबर कैसे मिलेगा, ये मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो अभी हो जाएगा हमारा 8 प्लस 10 18 प्लस 3 21। अगला नंबर कैसे मिलेगा, ये वाला, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 5 25 प्लस 3 इंटू 6 18 यानी कितना हो जाएगा 45 एंड सो ऑन। अब इसको अगर हम देखें कैसे निकाल रहे हैं, तो इसका लॉजिक ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। इनपुट कराने का तो सेम रहेगा, बोलो भाई, है ना। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा जो लॉजिक होगा, सी आई जे बराबर ए आई के प्लस मल्टीप्लाइड बाई बी जे के, ये लॉजिक हो जाता है प्लस पुराने वाले डेटा को। तो ये हमारे कैसे आ रहा है, ये जरा देखिए, हमारा जब हम कर रहे हैं सी जीरो जीरो इज इक्वल्स टू ए जीरो जीरो मल्टीप्लाइड बाई बी जीरो जीरो प्लस ए जीरो वन मल्टीप्लाइड बाई बी वन जीरो प्लस ए जीरो टू मल्टीप्लाइड बाई बी टू जीरो, यही है ना, ऐसे ही आ रहा है। अब जरा सा दूसरा देखिए, सी जीरो वन क्या आएगा, इसका दूसरा रो, ए का दूसरा रो और बी का पहला कॉलम, तो दूसरा रो कैसे मिलेगा हमारा, ए वन जीरो मल्टीप्लाई बाय बी, पहला कॉलम क्या रहेगा, ये रहेगा जीरो जीरो प्लस ए वन वन मल्टीप्लाइड बाई बी वन जीरो प्लस ए वन टू मल्टीप्लाइड बाई बी टू जीरो, ऐसी आ रहा है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम इसे आई मान लें और इसे हम क्या मान लें जे, तो यहां पे देखिए ये पूरे में हमारा ये चेंज हो रहा है, देखिए ये सेम है, देखिए बदल क्या रहा है, यहां वाला है ना। तो हम इसको अगर लिखें ए आई, देखिए ये तो सेम है ना, जीरो जीरो सेम हो रहा है, यहां पर देखिए अगर इसको ए आई मान लें तो ये नहीं, ये बदल रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, यहां पे जीरो है, यहां पे वन हो रहा है, देखिए
तो यानी कि ये आई नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे आई सेम है, अगर ये आई है और ये जे है, इसमें ध्यान देना, ये सब जगह सी वन है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए इसको जे मान लें, क्या माने जे, और ये जीरो से लेकर के कहां तक चेंज हो रहा है, टू तक, तो इसको के मान लें, क्या मान लें के, और इसको क्या मान लें, बी देखिए बी जीरो जीरो बी वन जीरो बी टू जीरो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए पहला वाला चेंज हो रहा है, दूसरा वाला सेम है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं के जे बी के जे, यहाँ पे देखो सेम चल रहा है कि नहीं, आई की वैल्यू हमारी जीरो है, तो यहाँ पे ये जे है ये के है, तो यहाँ पे देखिए वन है तो सब जगह वन है, के की वैल्यू जीरो से लेकर टू तक जा रही है, जीरो वन टू सही चल रहा है। अब बी को देखो बी के जे ये जीरो वन टू और जे हमारा क्या हो रहा है सेम रह रहा है ना, यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो सेम हो रहा है, इज़न्ट इट, तो ये हमारा सही चल रहा है। तो हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा, यहां पे चेंज कर दीजिए, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई इज लेस देन थ्री आई प्लस प्लस, और यहां पे क्या किया सी आई जीरो बराबर जीरो कर दिया, या बल्कि हम यहां पे कर दें फॉर जे बराबर जीरो जे इज लेस देन थ्री जे प्लस प्लस, और यहां पहले क्या किया सी को इनिशियलाइज कर दिया, सी आई जे को जीरो कर दिया, और उसके बाद के का लूप चलाया फॉर के इज इक्वल टू जीरो के इज लेस देन थ्री के प्लस प्लस, और यहां पे हमने किया ए सॉरी सी आई जे बराबर ए जे के सॉरी पहले सी आई जे प्लस करेंगे सी आई जे प्लस ए जे के प्लस मल्टीप्लाइड बाई बी के जे, ये लॉजिक हो जाएगा हमारे इसका। अब प्रिंटिंग का लॉजिक तो वही सेम रहेगा, यानी इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा एक लूप चला करके प्रिंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, पहले इतना नोट कर लो फिर हम उसको आगे प्रिंटिंग वाला लॉजिक करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे देखिए ये एडिशन तो सॉरी मल्टीप्लीकेशन का लूप हो गया, खाली प्रिंट करने का है, तो हम यहाँ पे मिटा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी प्रिंटिंग का लूप चला देते हैं, नेस्टेड लूप चला दीजिए, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन थ्री आई प्लस प्लस, सी को प्रिंट करना है तो फॉर जे इज इक्वल टू जीरो जे इज लेस देन थ्री जे प्लस प्लस, और यहां पे प्रिंट करा दीजिए प्रिंटर पर्सन डी स्पेस सी ऑफ आई जे, जब तीनों एक लाइन के प्रिंट हो जाए तो हमें न्यू लाइन पे जाना है प्रिंटर न्यू लाइन, और ये हो गया हमारा खत्म, इसके बाद गेट सी एच, और इसके बाद हमारा ये हो जाएगा मेन खत्म, ये लॉजिक है हमारा प्रिंटिंग का। तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम में ये चीज बदला है और ये आपको हमने बता दिया। अब चलिए इसी को रन करके देखेंगे और हमारा आउटपुट चेक। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।